दोस्तों अपनी जीमेल आईडी का सिक्योरिटी कोड आप कैसे निकाल सकते हो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिक्योरिटी कोड क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो, या ज़्यादातर जब आप किसी ब्राउजर में उसको अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हो तो वहाँ सिक्योरिटी कोड मांगता है। अब सिक्योरिटी कोड क्या होता है हमें तो पता ही नहीं होता, बल्कि हमेशा कुछ लगा के नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिक्योरिटी कोड निकलता कैसे है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने WhatsApp की बार बार की आदत पड़ रही है तो यहाँ पर आपको सब पहले अपनी सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप इसे सोच रहे हो गूगल से इससे क्या रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाता है। गूगल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ लोडिंग लेगा, एंड लोडिंग लेने के बाद हमें सिक्योरिटी कोड निकालता है। तो यहाँ पर आपको मैनेज यूर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर कोड का क्लिक कर देना है। जब आप सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है गूगल एंड सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके जो मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा हुआ होगा वो आपसे मांगा जाएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ कोड दिखाई देंगे। तो ये कोड आपको किस काम आते हैं, अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हो तो इस कोड के जरिए आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोड आप देख सकते हो ध्यान से, इस तरीके से अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लेते हो तो ये कोड आपको काम आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ, ये कोड बार बार चेंज होते रहते हैं, एक से कोड नहीं रहते हैं, तो आपको वापस मेरा ये कोड कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस देख सकते हो, अब मैं दूसरी बार फिर ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको दूसरे कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर करना चाहो तो हो सकता है कोई करता है कि इसके चैनल में भी हैक कर लेता हूँ या फिर इसके ईमेल आईडी खोल लेता हूँ, शायद मुझे क्या क्या मिल जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये काम नहीं करेगा आपके लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।